नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन और आलू के भल्ले, जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक बाउल में एक कटोरी बेसन लेंगे, आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका स्मूथ बैटर बना लेंगे। अब हम भल्ले के लिए मसाला आलू तैयार करेंगे। इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम राई डालेंगे। अब हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हमारी प्याज सुनहरी हो चुकी है। अब हम इसमें सभी मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे, आमचूर पाउडर डालेंगे। सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब हमारे मसाले भुन चुके हैं। अब हमने जो उबाल के आलू रखे थे वो डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सभी आलू डाल दिए हैं। अब सभी को मसाले में अच्छे से मिला देंगे। अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधी चम्मच गरम मसाला डालेंगे, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब हम भल्ले बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले ऑयल गरम करेंगे। हमने जो मसाला आलू तैयार किए थे उनकी हम इस तरह से बॉल बना लेंगे। इस तरह बैटर में डाल करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हमारे सभी भल्ले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारे भल्ले बनकर के तैयार हैं। इसे सॉस या चटनी किसी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।